आइए नजर करते हैं आज की मुख्य हेडलाइनों पर। यूपी चुनाव में गेम चेंजर ओपीएस, कर्मचारी संगठन का दावा, टूट रहा है जाति मजहब का बंधन। दिल्ली एक दिन के लिए घर से बाहर गई थी पत्नी, वहीं लौटी तो पलंग पर मिली लड़की की अदर नंगी लाश, वहीं पति मौके से हुआ फरार। यूपी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अहमद हसन का लखनऊ में निधन, वहीं सीएम योगी ने जताया शोक। कानपुर में बोले सीएम योगी, करहल चुनाव में सपा की हो जाएगी जमानत जब्त। यूपी इलेक्शन चौथे चरण के मतदान से पहले बांदा में पकड़े गए अवैध असलाह की फैक्ट्री, वहीं 31 तमंचा मौके पर बरामद। कुशीनगर में 13 लोगों की कुएं में गिरने से मौत की केस, सीएससी परवादी का तबादला, वहीं फार्मासिस्ट सस्पेंड हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो स्कूल बसों की टक्कर में सगे भाई बहन की मौके पर मौत और कई घायल हुए। हिजाब के विवाद का असर, अलीगढ़ के डीएस कॉलेज ने यूनिफॉर्म के बिना स्टूडेंट के प्रवेश पर लगाई रोक। वहीं यूपी इलेक्शन 2022 पांच साल बाद एक साथ दिखे बाप बेटे और भाई, जब यादव परिवार को मिला इटावा में। वहीं यूपी में भीषण सड़क हादसा, टोली बेकाबू होकर पलटी, दो बच्चों की मौके पर मौत और 11 लोगों की घायल। चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली खबरों में।